सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, तुम्हें याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था टेकन 7 का एक वीडियो जिसमें मैंने 1v1 खेला था, सिंपल फाइट कर रहा था मैं। सो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी लोग ने बोला कि भाई टेकन 7 का स्टोरी मोड खेलो। सो मैंने सोचा क्यों ना भाई खेला जाए, तो आज हम वही शुरू करने वाले हैं। काफी सारे वीडियोस आएंगे इसके, काफी सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, एंड वीडियो जो है थोड़े से बड़े होने वाले हैं, क्योंकि जैसा पूरा स्टोरी मोड चलेगा एकदम रॉ वैसे ही मैं रखूंगा, और जितना मुझे समझ आएगा उतना मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम खुद समझ जाओगे, समझदार हो, ठीक है। अच्छे से खेलने की मैं कोशिश करूंगा और वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, पूरा मतलब कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे चलेगा तो देख लेना तुम। I remember receiving my first letter from my son a few years back. So, ठीक है, जो नरेटर है वो कह रहा है कि मुझे, अच्छा सुन लो। I love you. I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. साथ में पैसा भी चाहिए प्यार के साथ साथ। I've been investigating a certain father and son. And I managed okay. to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, "Father, one day I will tear you to pieces." Oh. Okay, so यहां से हमारा स्टोरी शुरू है। रुको, थोड़ा सा रोको। हाँ, तो जो एक क्या कहते हैं, जो नरेटर है वो सबसे पहले शुरू आता है कि लेटर दे, उसका जो एक बच्चा है वो उसको लेटर दिखता है आई लव यू वाला। बहुत टाइम पहले जो नरेटर है वो बहुत खुश है, अपनी क्या कहते हैं उसकी वाइफ है वो उसको बहुत प्यार करती है, वो उसको बहुत प्यार करता है, तो वो खुश है अपनी जिंदगी में। वो एक क्या कहते हैं सन और बेटे पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उस जैसे स्टोरी शुरू हुई है, तो उसमें जो लेटर निकलता है पहला लेटर, तो वो अपने बाप को लिखता है, बेटा मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब पीसेस में तोड़ दूंगा ऐसे ऐसा करके, ठीक है। सेवरल डेकेड्स एगो, ठीक। हाँ, तो ये जो कहानी मतलब हम पास्ट में पहुंच चुके हैं, और ये जो बच्चा है ये वही है जो अपने बाप को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि इसने ये जो है इसने इसकी मां को मार चुका है, मतलब ये अपने बीबी को मार चुका है। ये जो है शायद हियाची, अरे भयंकर क्या कर रहा हूं मैं, गेम खेलता हूं, रुको पहले मैं। भाई इसको तो जिंदगी में भी नहीं मार पाएगा ये, जितना स्ट्रांग ये है यार, ये बच्चा है बड़ा है। माना तुम बॉल बिटा पीने लगे हो, लेकिन नहीं फिर भी नहीं मार पाओगे, बाप बाप होता है। लेकिन भाई माँ की मौत का बदला लेना, उसे मार भी सकता कुछ पता नहीं है। चल 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 चल, कुत्ता बना दूंगा बाप का। ए भाई, बाप ने एक लात मारी और बेटे का कुत्ता बन चुका है। ऐसे करके लात मारी उसने, ऐसे रोक के ता, और पीछे जाके गिर गया भाई पूरा एकदम, ठीक है। ओ भाई, इसके सिंके से खड़े हैं दो बालों के। तो इसने जो अपने बेटे को उठाया, और पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। कोई आम बाप होता, अच्छा बाप होता, तो वो इसको डॉक्टर के पास लेके जाता, उसको ठीक भी कराता, लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला है। शायद ये इसको पहाड़ पे से फेंक देगा, सॉरी। हाँ भाई, ये इसको पहाड़ पे से फेंक देगा। थ्रो कजुयू ऑफ, शायद ये इसका, इसके बेटे का नाम कजुयू है, कजुयू। उसने भाई उसको पहाड़ पे से फेंक दिया है। अब पता नहीं वो मरा होगा या नहीं मरा होगा, नीचे पानी वानी होगा तो नहीं मरा होगा। टेकन 7 गेम हो चुका हमारा स्टार्ट, ठीक। यहां पर भाई शायद आर्मी वाले बंदे हैं ये, डेजर्ट में कहीं, और यहां पे कोई चीज फटी है, जैसे कि कोई प्लेन हो, देख के लग रहा है जैसे कोई प्लेन फटा है। एंड ये लोग शायद इसको देख रहे होंगे कि कोई बंदा बंदा तो नहीं है, कहीं मर वर गया उसको बचाने आए होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, अभी आगे चल के पता लगेगा। सो यहाँ पे जो इन टैंक से ही आए थे वो जा चुके हैं, शायद इनको मिला नहीं है कि जो भी मरा हो, मतलब जो भी इसमें हो बंदा। डिजर्ट है वहां पे, बहुत तेज धूल उड़ रही है, और भाई पीछे से दिख रहा है कि एक बंदा वहां से निकल के आ रहा है। भाई ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तगड़ा सा एकदम, मुंह ढका हुआ है उसका भी, पता नहीं है कौन है, शायद ये वही बंदा है जो प्लेन या फिर जो भी चीज टूटी है उसमें से निकला है। हाँ भाई, नीना आ चुकी है, नीना एकदम नीली नीली आंखों वाली नीना। सो ये जिस ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये सब काम कर रहा है, लेकिन सामने तुम देख सकते हो चेयर जो है एकदम खाली पड़ी है, या तो इन लोग का जो बॉस है वो यहाँ पे है नहीं, या फिर उसकी मौत बहुत हो चुकी है। अब तुम सुनो, खुद देखो। He sent the human race to hell
soul so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jean defeated Azazel in battle, saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jean began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Jean, the one who started everything, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain. तो गाइस जीन नाम का एक बंदा है जिसने क्या कहते हैं वॉर स्टार्ट कर रखी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अभी वो थोड़ा मिसिंग है, मतलब उसका पता नहीं है वो कहाँ गायब है। लेकिन जो मैं बोल रहा था उस वो फटा है प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर है, शायद वो हेलीकॉप्टर है, तो वहाँ वो जो था वो जीन का था शायद, क्योंकि वहाँ से पता चल रहा है कि जीन उसके आसपास था। वही शायद वो जो वो रेत में से बंदा नहीं निकल के आ रहा था, रेगिस्तान में से तगड़ा से जिसको मैं बोल रहा था, शायद वो जीन ही था। मे बी, मैं कन्फर्म नहीं हूँ अभी तक, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। Tipped the scales in G Corp's favor. Area E2031に点救難信号を受信。 国連軍のヘリからと思われます。 helicopter, helicopter. 数日前まで当初を捜索していたエリアの近くです。 Increase surveillance. If a UN soldier so much as sneezes, I want to know. 了解。近隣の街もチェックさせます。 久しぶりよの。 ओके भैया, बुढ़े चचा आ चुके हैं हमारे। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है शायद ये उस पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि जो उसका मेन हेड था वो वहां पर नहीं था शायद। अभी फाइट बाइट होने वाली है तगड़ी करके। What form would they take? स्टोरी शुरू हो चुकी है हमारी, नरेटर फिर से आ चुका है। That question still eludes me. That day, I was reporting from a battlefield. मतलब स्टोरी चली रही है, नरेटर फिर से बोलना शुरू कर चुका है। When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. I was dumbstruck. How could my hometown have come under attack? When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. So guys, जो नरेटर है वो है एक क्या कहते हैं न्यूज रिपोर्टर। तो वो कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन जब अपने घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि भाई उसका जो शहर था, होम टाउन था, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां आग लग चुकी है, सब कुछ तबाह हो चुका है, कारें जल रही हैं, हर घर में धुआं उठ रहा है। यही No life signal. 投手が不在の今、いち早く体制を整えねば。 भाई वो जो गंजे चाचा थे उन्होंने यहां पे हमला बोल दिया है, मस्त एकदम सबको पिलता हुआ आ रहा है आगे आगे। हियाची नाम है शायद इसका पूरा नाम, एक मिनट अभी पता लग जाएगा सही से। और भाई इसके भी दो सीन खड़े हैं, या वही है भाई, ये वही लौंडा है जिसने वो क्या कहते हैं जिसने अपने बेटे को मारा था, वहां से ऊपर से फेंक दिया था, वही है ये। ठीक है, भाई सारे के सारे जितने भी वहां पे बंदे थे उन लोग ने इस पे हमला बोल दिया है, बट वो स्ट्रांग है काफी। उनने क्या कहते हैं, ओए रॉकेट छोड़े उधर से, क्या करेगा। साउथ की पिक्चर चल रही है भैया यहाँ तो। ठीक है बढ़िया बढ़िया, रॉकेट पे पैर मार रहा है, रॉकेट टर्न हो जा रहे हैं। हाँ भयंकर, नाइस, चलो नाइस। ठीक है, चचा के अंदर जान है,
चचा ओपी इन द चैट गाइस, चचा ओपी इन द कमेंट गाइस। गर्दन दुख रही है लड़की की, लाओ हम मालिश कर देते हैं झंडू बाम से। थारी अम्मा का खाला घुमा आर तू दान दूर दान दुआ। अरे लला चला दो गेम जल्दी से, खेलन दो यार, फाइट वाइट करवा दो। धू धा भोगी एकदम धू धा। अच्छा कुछ करना था क्या, कोई कॉम्बो वॉम्बो चलाना था, मैंने गॉन नहीं दिया, मैं वहां रुका हुआ था आराम से। इनको मानना भी, हट जा हट जा हट जा हट जा। अभी तो इससे तो बहुत आएंगे, एक एक को लपेटना होगा। ले 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 बेटे ले, आजा फाइट कर ले हमसे। ये तो भाई ऐरे गहरे हैं सबके सब, इन्हें तो मार ही दूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं हल्के में नहीं लेने का, चलो। ओ ओ ओ ले ले ले, लात मारेगा साले, लात ही तोड़ दूंगा। मर गया, सब मर गए, सब मर गए। भाई जो ग्राफिक्स है ना, एकदम तगड़ी फील आ रही है। लाइट मारी उसके ऊपर। अभी कौन बचा? अच्छा नीना आई अभी इससे फाइट करने। नीना नीना हेयाची मिशिमा, ठीक है भाई, चचा का नाम है हेयाची मिशिमा। अच्छा इस जगह का नाम लिया इसने कुछ मिसीमा कुछ करके, इसको ये मतलब वो करना चाहता है कंट्रोल, ऐसा करके बोला है नीना से। ठीक है तो नीना से फाइट क्यों कर रहा है ये, इसे मारेगा? अबे मत मार भाई, मारेगा नहीं शायद, इसको बस फाइट जीतेगा ऐसा कुछ होगा। फाइट जीत जाएगा तो ये इसको राज करने देगी, मतलब वो हार मान लेगी ऐसा कुछ करके होगा। लेकिन नीना स्ट्रांग है भाई, नीना स्ट्रांग है। ओफ और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है अभी ये। टाइम टू डाई, टाइम टू डाई, टाइम टू डाई, टाइम टू डाई 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 डाई। लड़की ब्यूटीफुल हो गई चुल, नीना ब्यूटीफुल, हियाची ने कर दी चुल। चल 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 चल, हो गया काम। हेयाची जीत गया, हेयाची जीत गया, हेयाची जीत गया। हेयाची नाम है हेयांची, पता नहीं ऐसी कुछ है, जो भी है। अभी गलत प्रोनाउंस भी कर देंगे तो तुम कमेंट में तो लिख दोगे ज्यादा से ज्यादा, साले सही से बोल लिया कर, मैं अगली बार सही से बोल दूंगा। फिर यहाँ पर बंदे आ चुके हैं भाई उसको मारने के लिए, लेकिन अभी शायद ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे इनको इसको, क्योंकि फाइट जीत चुका है अभी, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। तो उसने बोला है कि, तो उसने अभी ये बोला है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, जब तक तुम्हारा ऑनर वोनर, मतलब अभी इस पे यहाँ पे राज कर चुका है, सीधी बात ये है। ठीक है जिनियरा भाई, जिनियरा जिनियरा शायद। ओके तो वर्ल्ड में जितने भी सारे वर्ल्ड के फाइटर हैं उनके लिए एक मैसेज दे रहा है टीवी पर आकर लाइव कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। Why on earth would you want to hold a tournament now like this? Sesumi wa otojo. Shitasu no junbi o sei. Otawata suru na.
नीना पूछ रही है कि ऐसा क्या अनपढ़ी कि भैया तुमने इतनी जल्दी पूरा इतना बड़ा टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। तो वो कह रहा है कि सही टाइम आने पे मैं सब कुछ बता दूंगा। ओके, जो पूरे टूर्नामेंट का नाम है वो हमारा होने वाला है टेकन 7। ठीक, चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। मुझे लगता है इधर हमें रुकना चाहिए। रुकेगा कैसे? अरे रुक जा, अरे चाचा रुक जा, रुका। तो हमारा जो है चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। मुझे लगता है वीडियो इधर ही रोकना चाहिए। चैप्टर 2 का वीडियो आ जाएगा कल। ठीक है, टाड़ा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना और क्या क्या हमें करना चाहिए। और मैं कुछ गलत बोला हूँ तो बता देना, वो भी मैं अगले वीडियो में सही कर दूंगा उसे। बाकी ठीक है, यही वीडियो लाइक जरूर करना, टारगेट रखते हैं। लास्ट टाइम 10,000 का रखा था, कितने हो चुके हैं? एक मिनट में जाके देखता हूँ कितने हो चुके हैं। यस पूरे के पूरे 10,000 हैं। तो अभी हम इन पे इस पे रख लेते हैं 11,000। ठीक है, 11,000 लाइक करो, हम अगला एपिसोड निकालते हैं। तब तक बाय।